छिंदवाड़ा में सेंट्रल बैंक के एटीएम में चोरी का प्रयास करने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस को सूचना मिली थी कि बैंक के एटीएम में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 5 नाबालिग आरोपियों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। छिंदवाड़ा में दमुआ के रामपुर तांशी गांव में विगत दिनों अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की मंशा से सेंट्रल बैंक की एटीएम मशीन को तोड़ने का प्रयास किया गया, परंतु दमुआ पुलिस की सक्रियता के चलते वे अपने मंसूबे में नाकामयाब रहे। छिंदवाड़ा के क्षेत्र प्रबंधक ने थाना प्रभारी दमुआ सुमेर सिंह जगेत को सूचना दी कि तांसीवे स्थित एटीएम मशीन में कोई छेड़छाड़ कर रहा है। सूचना मिलते ही दमुआ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन आरोपी घटनास्थल से भाग खड़े हुए। स्थानीय मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग ग्राम कोयलबाड़ी चंदनिया के जंगलों में हैं, जिन्हें तलाश कर पूछताछ की गई है, तो आरोपियों की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार ली गई। 9 आरोपी में से 5 नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त सामग्री भी जब्त कर ली है। इस घटना में सफलतापूर्वक आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने पुरस्कृत करने की बात भी कही है। दिनांक 12/4/2020 की रात्रि को पुलिस को सूचना मिली कि रामपुर तांसी स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो एटीएम है, उसमें अज्ञात आरोपी द्वारा तोड़फोड़ का चोरी का प्रयास किया जा रहा है। जो तत्काल मौके पर पहुंचे, जिस समय तक आरोपी भाग चुके थे और उक्त घटना पर से अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अज्ञात आरोपी की तलाश पतरसी लगातार की जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम चंदनिया कोयलवाड़ी में संदिग्ध लोग हैं जो घूम रहे हैं, जिनके घटना में संलिप्त होने की संभावना है। तो इनकी तलाश किए जाने पर कुछ लोग वहां पर संदेह रूप में मिले, जिनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर इन्होंने अपराध करना स्वीकार किया और ये कुल 9 लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।